हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदिति झा है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सुर में कैसे गाएं। बेसुरा गाना किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है, वो गाने का पूरा मूड खराब कर देता है। अगर हम कुछ बातें ध्यान में रखें तो हम आसानी से सुर में गा सकते हैं। आपको सुर में गाने में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन पे। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो बातें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है सुर में गाने के लिए। सबसे पहली बात, हम जनरली क्या करते हैं, गाना सुनते हैं और गाना गाना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम गाना सुनेंगे और हम गा लेंगे, लेकिन हमें सुरों की अगर पहचान ही नहीं होगी तो हम गाना सुर में कैसे गाएंगे। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट हमें जो बेसिक हिंदुस्तानी वोकल की जो शिक्षा है उसे ज़रूर लेनी चाहिए, सुरों का ज्ञान लेना चाहिए, जो 12 सुर होते हैं उनको अच्छा से जाने। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक सिंपल सा गाना बताती हूँ। बड़ा नट खट है रे किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। जिसको सुर की नॉलेज नहीं होगी वो ये तो जान जाएगा कि इस गाने को सुन सुन के कि मुझे ऊपर जाना है अब नीचे आना है, लेकिन कितना ऊपर जाना है, कितने नोट्स नीचे आने, ये उसे नहीं समझ में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस गाने में जैसे गमा बा 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 सा पा, प से 4 नोट में ऊपर सा लगा रही हूँ फिर प पे आ रही हूँ ना, ये मुझे समझ आ गया क्योंकि मैंने सुर सीखे हुए हैं। जिसने नहीं सुर सीखे हुए हैं वो समझेगा पधा ऐसा भी लगा सकता है, इतना ही ऊपर जाएगा, उसको ये समझ तो आ गई मुझे ऊपर जाना है इस नोट में, लेकिन कितना ऊपर जाना है ये समझ नहीं आएगा। वो ऐसे भी गा सकता है बड़ा नट खट है रे वो धनी प, ऐसा गाएगा। सुरों को पक्का करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने जो सा यानी जो आपके नेचुरल स्केल का जो पहला नोट है सा, उसे आप पहले पक्का करें। आप जब तक जो पहला नोट सही नहीं लगाएंगे तो आगे के सुर भी आपके गलत लगेंगे। सा पक्का हो जाए आपका, उसके बाद आप प को पक्का करें। प इसलिए हम बोलते हैं, सा और प जो है वो हमारे हिंदुस्तानी वोकल के जो फाउंडेशन बोलते हैं 2 स्वर, वो इन्हीं पे आधार होता है। क्योंकि जो हमारा ऑक्टेव होता है, मिडल ऑक्टेव जिसपे हम जनरली गाते हैं, उसका पहला सुर सा होता है और मिडल का सुर जो है वह प होता है। तो अगर हमारा ये 2 सुर अच्छे हो जाते हैं, इनको हम अगर पक्का कर लेते हैं, तो हम आगे के जो नोट्स हैं उन्हें लगाने में हमें बहुत आसानी होगी। आपका सा सा और प जब पक्का हो जाता है, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वो है सारे गामा पध निसा का आपको अभ्यास करना है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लें। हारमोनियम पे प्रैक्टिस करने से आपको ये हेल्प होगा कि जो सुरों के इम्प्रेशंस है वो आपके दिमाग में शुरू में ही करेक्ट बैठ जाते हैं। अगर हम बिना हारमोनियम का रियाज करेंगे तो जैसे सारे गामा पध निसा, ये जो नोट्स हैं, तो मैं ऐसा भी इसको गा सकती हूँ सा रे गा मा, मुझे क्या पता कि कितनी दूरी पे रे है, कितनी दूरी पे ग है, कितनी दूरी पे म है। ये अगर हम पहले हारमोनियम, या आपके पास अगर कीबोर्ड है उसमें भी आप चाहें तो कर सकते हैं, पहले सिर्फ सुनिए आप उस पे कैसे नोट्स के इम्प्रेशन है। एक बार वो करेक्ट इम्प्रेशन आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप हमेशा सुर में ही गाएंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको अपने नेचुरल स्केल में ही सुरों का रियाज करना चाहिए। कोई भी रैंडम स्केल उठा के अगर आप गाएंगे तो वो बहुत स्वाभाविक है कि आप रॉन्ग ही सुर लगाएंगे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक गाना गा के बताती हूँ जिसे मैं अपने नेचुरल स्केल में अगर गाऊंगी, जो कि मेरा काली 5 नेचुरल स्केल है ए शार्प, तो वो कैसा लगेगा, और मैं रैंडम किसी और स्केल में अगर गाऊंगी तो वो कैसा लगेगा। बिजली सी चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरबा लगाले। आपने देखा, मैं अपने नेचुरल स्केल में इसको गा रही हूँ तो मैं कंफर्टेबली गा रही हूँ, सुरों में गा रही हूँ, गाना सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई भी रैंडम दूसरा स्केल अगर लगा मैं गाती हूँ, मैंने डी लगाया है जैसे, हाँ नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय, कुछ भी बेसुरा सा साउंड कर रहा है क्योंकि ये मेरा स्केल ही नहीं है। अगर मैं इसमें सुरों को गाने का ट्राई करूंगी तो मैं नहीं गा पाऊंगी।
नेचुरल स्केल कैसे पता करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने ऊपर शेयर किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें करना है वो है कि हमें तानपुरा जो है उस पे ही रियाज करना है। आप अगर खाली टाइम में भी बैठे हुए हैं, कहीं काम कर रहे हैं या रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तानपुरा कंटिन्यूअसली सुने बिगिनर लेवल में, क्योंकि उससे जो आपके सुरों की जो पकड़ है वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, आपको अपना रेंज पता चलेगा। तानपुरा आजकल बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा मिलता है, मोबाइल्स में बहुत सारे फ्री एप्स हैं तानपुरा के, आप उसे डाउनलोड करें और उसे कंटिन्यूअसली सुने। उसमें चार स्ट्रिंग्स होते हैं, प सा सा सा, प और सा जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो हमारे फाउंडेशन स्वर हैं आगे के स्वरों को सीखने में जो हमें हेल्प करते हैं, तो इन दोनों स्वरों के आधार पे ही तानपुरा बजता है, उसमें प सा 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 बजता है। तो कंटिन्यूअसली जब हम ये स्वरों को सुनते हैं तो हमारा बेसुरा होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। जब भी आप रियाज करने बैठते हैं तो आप तानपुरा को अपने स्केल में लगाएं और फिर उसके साथ फिर आप हारमोनियम पे एक एक सुरों को बजा के प्रैक्टिस करें। तानपुरे को साथ में लगाने से आपको कंटिन्यूअस आपके कानों पे फीडबैक मिलता है कि आपका जो बेस है यानी जो सा है आपका जो उसमें बजता जा रहा है वो हम करेक्ट गा रहे हैं, तो हमें वो जो फीडबैक है वो हमेशा मिलता रहता है कानों में और हमें पता रहता है कि हम सुर में गा रहे हैं, हमारा जो रेंज है वो बिल्कुल ठीक है। तो दोनों साथ में लेके अगर आप रियाज करेंगे तो आपको इसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा और बहुत ही जल्द आप सुर में गाना सीख जाएंगे। तानपुरा को यूज़ करके कैसे गाना है इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगी। जो बेसिक रागाज होते हैं हिंदुस्तानी वोकल्स के उनको ज़रूर सीखें आप। यमन राग है, भीम पलासी है या बागेश्री है, ये सब जो एकदम कॉमन रागास हैं इनको अगर आप सीख लेंगे तो आपको स्वरों की जो नॉलेज है वो इतनी अच्छी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मोस्टली आपके शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर, कोमल स्वर, ये रागा सीखने से आपके सारे ये जो स्वर हैं ये आपके कवर हो जाएंगे। राग यमन के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक मैंने ऊपर शेयर किया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है। मैं बहुत ही जल्द बाकी बेसिक रागास के ऊपर भी ट्यूटोरियल्स बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे।